केजरीवाल को गिरफ कला सीबीआई। हाईकोर्ट को स्थगितादेश को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज कले केजरीवाल। मद घोटाला मामलें हे अधिक तनागना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई बुधवार दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ करी। मद घोटाला मामलें तदंतर आवश्यकता दर्शाई सीबीआई को गिरफ अनुमति देवाक सरकारी वकिल जुक्ति बाढ़ी एथस नुआ पिटिशन फाइल करने सुप्रीम कोर्ट कहते केजरीवाल को जमिन देवाई ट्रायल कोर्ट दे निर्देश पर दिल्ली हाइकोर्ट को स्थगितादेश को चैलेंज करें। केजरीवाल नुआ पिटिशन फाइल कर चैलेंज करें सुप्रीम कोर्ट। केजरीवाल हाइकोर्ट को स्थगितादेश को सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज कर। देखिए, इसी कोर्ट से बहुत स्ट्रांग जजमेंट मिला था, बहुत बढ़िया ऑर्डर मिला था, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई वो उनके इशारों पे नाचते हैं, और मोदी जी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ जाएंगे, उसीलिए आज कोई जो सीबीआई ने आज ऐसा कुछ नया पेश नहीं करा जो उनके पास बहुत टाइम से नहीं है। तो ये सीधा सीधा एक राजनीतिक साजिश थी कि केजरीवाल जी बाहर ना आए, तो आज सीबीआई के थ्रू उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उनको पता है कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल जी को तो बेल मिलनी है, तो क्या करता है, सीबीआई को फिर रिंग के अंदर डाल देता है। वो सीबीआई जो अप्रैल 2023 से इस मैटर पे उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। अप्रैल 2023 में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था इंटरोगेशन के लिए, तब से लेकर जून तक वो लोग शांत है, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट बेल दे देता है तो फिर वो सीबीआई से उनसे अरेस्ट करवा देते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि राजनीतिक द्वेष के कारण अरविंद केजरीवाल जी को अंदर बंद करा जा रहा है, लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, आज नहीं तो कल सत्य बाहर आ जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित। आज सीबीआई अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट को आनीथिला। सांगरे थिले तांको पत्नी सुनीता केजरीवाल। आईएनजीबी विवेक जैन अरविंद केजरीवाल को पई जुक्ति रखी कहिसेंती तांको लीगल टीम जानिबा को पाइछि तिहार जेल भितर अरविंद केजरीवाल को किपरि पचराउचरा करा जाउतला। मीडिया माध्यम रे लीगल टीम ए जानिबा को पाइछि। आईएनजीबी विवेक जैन दाबी करछंती जे जेउ उपाय रे जेउ तरीका रे केजरीवाल को जेल भितर पचराउचरा करा गला ता ग्रहण योग्य नुहे, एहाकु गुरुतर स नेबा दरकार। तेणु मामलार शुणाणी परवर्ती समय करिबा पई दाबी रखथिले विवेक। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और के कविता से लगातार पूछताछ चल रही थी, तो शराब नीति घोटाले में ये तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं और सीधा सीधा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं तो कहूँगा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और परिणाम सबके सामने आएगा। सीबीआई तरफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एसपी सिंह कहते निर्वाचन पूर्व सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्त करने कथा, किंतु सीबीआई सेपरि करना नियम अनुसार आउ जड़े पार्टी को सीबीआई जनइबार आवश्यकता नहीं, तदंत करने मोर प्राथमिकता बोली से कहते। ये दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया इन्होंने, तो इनको बाहर तो आना ही नहीं चाहिए। कम से कम किसी अच्छे समाज सेवी को आज भी लोग कहते हुए डरते हैं कि भाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये लोग बोल के आए थे, और ये बोल के आए थे कि शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, उसको जेल भेजूंगा, गलत लोग बाहर रहने अंदर बाहर नहीं आने चाहिए, जेल में रहने चाहिए। तो आज इनको ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि भाई इनको पकड़ लिया या दोबारा से सीबीआई ने कर लिया। इन्होंने काम ही ऐसा किया है, ये जो दारू की पॉलिसी भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया है। मंगलवार दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल को जमीन ऑर्डर ऊपर स्टे लगाई दे थे। दिल्ली हाईकोर्ट कहते जे ट्रायल कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 45 रो दुईटी कंडीशन पूरण होइछि कि नहीं से उपरे दृष्टि रखी जमीन आवेदन उपर निर्देशनामा जारी करबा कथा। मंगलवार राति रे सीबीआई तिहार जेल रे अरविंद को परीक्षा निरीक्षा करबा सहित स्टेटमेंट रेकॉर्ड करथला। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।